नमस्कार साथियों, आज सुबह की कुछ बड़ी खबरों के साथ हम आए हैं। मुंबई के गोरेगांव में सीवर के नाले में गिरा 2 साल का बच्चा। बच्चे का अब तक कोई भी पता नहीं चला है। पास के मस्जिद के सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा, काफी ज्यादा जाम हो चुका है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बारिश के कारण हुई लैंडस्लाइड, जाम हुआ रास्ता। पटना में नाबालिग के साथ रेप, पड़ोसी ने किया दुष्कर्म। ने पुलिस के साथ असम में लगातार बारिश के कारण बाढ़ का कहर, 3 लोगों की हुई मौत। कल देर रात दिल्ली पुलिस की हुई बदमाशों के साथ मुठभेड़। मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में मदरसे में मिले अवैध हथियार, जिसमें एक पिस्तौल, 3 तमंचों के साथ कई जिंदा कारतूस, उत्तर प्रदेश पुलिस ने किए अपने कब्जे में। दिल्ली के द्वारका में 2 बाइक सवारों ने एक कार सवार महिला पर करी गोलीबारी। महिला संदिग्ध हालत में अस्पताल में भर्ती। हरियाणा के जींद में एक शर्मसार घटना सामने आई, जहां नहर में एक लाश मिलने के बाद पुलिस के द्वारा शिनाख्त ना होने पर लाश को वापस नहर में फेंका गया। निलंबित। उत्तर प्रदेश में एमएलए की लड़की ने पुलिस से मांगी मदद। दलित से शादी करने के बाद कहा कि घर वालों से आ रही है मारने की धमकी। कल भारत न्यूजीलैंड के सेमीफाइनल मुकाबले के बाद भारत की हार के पश्चात श्रीनगर में आई शर्मसार घटनाएं, जहां श्रीनगर में कई जगह हुई आतिशबाजियां। उत्तर प्रदेश के बांदा में 7 गायों को बेकाबू ट्रक ने कुचला। इस दर्दनाक हादसे में गांव वालों का भारी शोक। आप इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।